अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू। तो हमें से पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। यहां पे टेन इनवर्स अंडर रूट 3, अब अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है हमारी 10 के फॉर्म में, ये होती है हमारी पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। अब यहां पे देखो सेक जो है वो हमारा उल्टा होता है कॉस का, यानी इसको उल्टा कर दो तो 2 का हो जाएगा 1/2, और जो 1/2 है वो कॉस की किस वैल्यू के लिए आता है, पाई बाई 3, ठीक है। तो यहां पे बस चूंकि माइनस लगा है तो पाई माइनस पाई बाई 3, इस तरह से हमारा ये आएगा। अब यहां पे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इसमें गया तो 2 पाई बाई 3। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस का पाई बाई 3, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, नीचे 3 आ जाएगा, पाई में से 2 पाई जाएगा, माइनस पाई बचेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, बी वाला। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज समाप्त। और इसकी ये जो पीडीएफ है, ये जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व करे, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे हमने अपलोड कर रखा है, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं।